तो हम लोग निकल चुके हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ तो गाइस ईद की नमाज खत्म हो चुकी है और यहाँ पर इनसे मिले सारिक भाई, ईद मुबारक भाई। इनसे मिले ये मेरे दादा, ईद मुबारक। तो ये जो चारों है ये इस बंदे ने खत्म किया है, और ये पांचवा भी ठूस रहा है मुंह में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है हम हर एक मुसलमानों का सबसे खास दिन, तो यस गाइस आज है ईद और आप सभी लोगों को दिल से ईद मुबारक। तो अभी मैं ये व्लॉग सुबह के 6 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, बिकॉज ईद की नमाज जो है वो 7 बजे स्टार्ट होगी। तो अभी मैं नहा धोकर रेडी नहीं हूँ, अभी जस्ट होके उठा हूँ। तो अब चलते हैं जल्दी से नहा धोके, अपना न्यू कुर्ता पजामा पहनकर हम चलेंगे ईद की नमाज पढ़ने। तो अभी मैं नहाकर आ चुका हूँ और यहाँ पर ये रखा हुआ है हमारा न्यू कुर्ता, तो अभी इसमें देखते हैं ये एकदम इसको मस्त काफ़ी अच्छा है, और जल्दी से इसको अब पहनते हैं। तो फाइनली मैं कपड़े पहनकर रेडी हो चुका हूँ और ये रहा मेरा ईद का आउटफिट कलेक्शन, और अब बस चलना है और ईद की नमाज पढ़नी है। लास्ट व्लॉग में जो ईदगाह मैंने आपको दिखाया था, तो वहीं पे हम लोग जाएंगे ईद की नमाज पढ़ने, और जस्ट वो मेरे घर के पीछे ही है, बट इसका जो रोड है वो मेरे आगे से, तो वहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हमें खुद का जय नमाज या चटाई लेके जाना पड़ेगा। तो अब टाइम होने ही वाला है तो हम जल्दी से चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ पर हम लोगों ने जय नमाज भी ले लिया है, और अब जाके देखते हैं कितनी भीड़ है। अगर अंदर जगह मिलती है तो अंदर ही जाके बैठेंगे, तो अभी चलते हैं फिलहाल। और यहाँ पर ऊपर देखिए कितना अच्छा मोहल्ले वाले लड़कों ने सजा दिया है ना, बढ़िया गली का, और इसमें वो भी शामिल था। और यहाँ पर देखिए ये हमारे मोहल्ले का एंट्री गेट बना दिए हैं लोग, तो इतने पर पहुँच चुके हैं और अभी नमाज भी शुरू होने वाली है। और यहाँ पर देखिए तो गाइस ईद की नमाज खत्म हो चुकी है और यहाँ पर इनसे मिले सारिक भाई, ईद मुबारक भाई। बहुत बड़े फैन है आपका, यहाँ पर डेली भी, और यहाँ पर ये सारिक सैडी भाई, ईद मुबारक भाई। सच में आपका डेली ब्लॉग देखते लाइक भी करते हैं गाइस, तुम तरक्की कर रहे हो एकदम, बिल्कुल भूलना मत। पर इनसे मिले ये मिथुन चाचा, ईद मुबारक। तो गाइस ईद की नमाज मैंने पढ़ ली है, और जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए मजबूरन मुझे दूसरी जमात में नमाज पढ़ना पड़ा, और बहुत आराम से भी पढ़ पाया दूसरी नमाज में जमात में। और अब चलते हैं सीधा घर और थोड़ा सेवई वही खाते हैं, घर वालों से मिलते हैं और ईद ही लेते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर, और फिलहाल अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो अभी कुछ खाते हैं, सेवई वही पीते हैं जो बनाए घर पे खाते हैं, और उसके बाद चलेंगे दोस्तों के साथ कहीं घूमने, और देखते हैं कहाँ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल छोला लिया है, जल्दी से इसको खाते हैं और उसके बाद चलेंगे, दोस्त इंतज़ार करें वहाँ पर। इनसे मिले ये मेरे दादा, ईद मुबारक दादा। तो गाइस छोला मैंने खा लिया है और अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी पे, अभी चलते हैं समद को पिक करते हैं, वो इंतजार कर रहा है, तो उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने। इनसे मिले ये अरशद, तो ईद मुबारक भाई। मुबारक। कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? अफगान और लोगों से मिलने। अच्छा,
यहाँ पर औसफ भैया हमारे, ईद मुबारक भैया, और यहाँ पर समद भाई, कल तो से गला रखो, तो से गला नाम है। चल बताओ कहाँ चलने का प्लान है? लेकिन मिले इनसे जफर भैया हमारे, तो कहाँ जाए आज? हाँ एकदम बढ़िया। यहाँ पर इनसे मिले मोनू भैया, ईद मुबारक भैया। और सब बढ़िया है ना? अपना बताइए। एकदम भाई, अभी हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए और आप देखते हैं आगे हम लोग कहाँ जाते हैं, और इनसे भी पूछ लेते हैं कहाँ जाना है सर। पहले के तातिल भाई, अभी चौराहा पे आ गए हैं लोग और अभी सारी दुकानें बंद है, दुकान तो बिल्कुल ही नहीं है, तो पहले चलते हैं तेल भराते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। गाइस यहाँ पे हमारे इरसु भाई हैं और औसाफ भाई, दोनों पेट्रोल भरवा रहे लोग, अभी पेट्रोल भरवाएंगे फिर देखते हैं कहाँ जाते लोग, क्या सीन होता है। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं मैंगो जूस पीने के लिए, ये चारों बुक्कड़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बुक्कड़ मेन बुक्कड़ ये है, इसका देखिए मुंह में पानी आ रहा है, देखा जाए ना, लेकिन पहले अपन मुंह देखा सर। पर मैंगो जूस आ चुका है चारों लोगों का। अरे वाह, प्यास बुझ गई मेरे बच्चे की, पहली बार समद ने दिए हम लोगों का पैसा। अरे समद भाई आज कैसे मेहरबान हो गए हमारे ऊपर। अरे ये पहला कंजूस है जो कभी हमेशा खाते रहता है, बस खिलाता नहीं है। अभी हम लोग आए हुए हैं औसाफ के घर, दही बड़ा खाने हैं उसके घर पे, तो यहाँ पे ये उसका घर है। यहाँ पर देखिए स्लो मोन शूट हो रहा है, अरे वाह तौफीक सलमान वीडियो शूट हो रहा है। अभी हम लोग औसाफ भाई के घर में आ चुके हैं अंदर, और ये अपना ही घर समझिए, थोड़ी नींद आ रही है तो आराम से चलते सोने, और अभी आएगा दही बड़ा, सो के आराम से खाएंगे, है ना समझ। इसके मुंह में पानी ऑलरेडी आ चुका है, तौफीक तो गिरा भी चुका है। हमारे औसाफ भाई ला चुके हैं सेवई, दही बड़ा है, छोला है, अभी मैंने एक लिया, अब इसको खाते हैं। इस लड़के ने मेरे हिस्से का भी छोला खा लिया है, और ये भी खत्म है, तीसरा प्लेट है ना, कितवा है तीसरा है, और तुम्हारा जी ओए तुम्हारा कितवा है। तो ये जो चारों है ये इस बंदे ने खत्म किया है, और ये पांचवा भी ठूस रहा है मुंह में। तो अभी औसाफ के घर से निकल चुके हैं, और अब इन लोगों को मैं अपने घर ले जा रहा हूँ सेवई खिलाने, चलेंगे ना सर मेरे घर पे। हाँ तो एक कैदी भी आ रहा है दूर से टकराते हुए। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और ये लोग अभी अंदर लेके इन लोगों को खिला रहा हूँ। चलो सब भाई अंदर, ओए चलो शांत, और सर मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं, पागल बने भाई। तो यहाँ पर लोग का नाश्ता, लो मेरे पापा से वही है। ये कैसा लगा छोला? समझ भैया आपको कैसा लगा? और तौफीक भैया मेरे घर से भी इन्होंने ठूस लिया, आप चलते समद के घर, समद के घर ठूसने, है ना सर, ले चलेंगे ना। तो अभी आ चुके हैं समद के घर सेवई खाने के लिए, और ये लोग इतना खा रहे हैं फिर भी ये लोग का पेट नहीं भर रहा है, ये सबसे बड़ा बुक्कड़ है। और ये समद का घर अंदर गया है वो अभी, तो यहाँ पर अभी नाश्ता आ चुका है, सेवई है और क्या है, और ये देखो सबसे पहला बुक्कड़ है, सबसे पहले उठा लिया है। अच्छा अब इसकी बारी है, उठाइए जी। अरे अरे शर्मा कह रही है,
अभी समद के घर से भी हम लोग खा पी के निकल गए हैं और मेरे बच्चे लोग अभी रेडी हैं और सब भी जा रहे हैं सर भाई और ये सब भी जा रहे हैं अपने घर। ठीक है सर, तो अब हम भी चलते हैं अपने घर और घर जाके थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग करेंगे, तो चलते हैं। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर और अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज अभी मुझे थोड़ा अपने वीडियोज़ की एडिटिंग करनी है। लास्ट ब्लॉग मैंने अभी अच्छे से एडिट नहीं किया है और एडिट करके अभी अपलोड भी करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अभी आज का जो मैंने ईद का ब्लॉग बनाया उसे भी एडिट करना है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और बहुत अच्छा लगा। वैसे जाते समय थोड़ा लेट हो गया नमाज के लिए इसलिए दूसरी जमात में नमाज़ पढ़ना पड़ा और शायद उतने अच्छे से ये ब्लॉग बना नहीं है, बट पूरी कोशिश रहेगी अब अगली बार देखेंगे और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस लोग के यहीं पे ऐड करते हैं। सो मीट यू टू नेक्स्ट वीडियो। आज टेक दिस ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़। रमजान खत्म हुआ, खट्टा खट्टा सुन में थे, इतना खट्टा खट्टा सुन में ना थे अबे। तो इन्हें कहाँ बैठा था, चल हमारी गाड़ी उतर।